side. Shruthika Mundred costumes. Aloka has done the music. She's a star. Nitin Bell, the editor of the film. Siddharth Devan, cinematographer. Another star. Amit John, sound design. Amit Joshi. It's all his fault. He's the writer. And Hardik is the co-writer of the film. And Deepa Motwani, co-producer. The mother of the film. And me. Team that you see in front of you is the poster boys and girls of great cinema, of good cinema. Trapped trailer, go and share it. Aaj sham tak sare ke sare listicles pe aa jayega ye trailer, I promise you that. Already sare listicles pe aa gaya pura ka pura trailer. Please, it's live on YouTube. Go and share it on your social media everywhere. My name is Sucharita and thank you so much for being here today. Thank you. हो गया. चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू. माइक गोइंग अराउंड इन द ऑडियंस. कि व्हेन डिड यू ऑल फर्स्ट गेट ट्रैप्ड इन लाइफ. जनरली आई एम नॉट आस्किंग इमोशनली. आई थिंक द मोमेंट आई केम इनटू माय मदर्स वूम आई वाज ट्रैप्ड. ओह सच अ नाइस आंसर. फॉर 9 मंथ्स आई वाज ऑलमोस्ट ट्रैप्ड बट आई वाज हैप्पी बट आई वाज ट्रैप्ड. व्हाट अबाउट यू विकास. Okay, Motwani. Daring producer, he doesn't get trapped easily. Yeah. Motwani. I'll go with his answer. अरे कुछ तो बोलो. Option A. And Rajkumar, we know you've been emotionally trapped. When was it? Emotionally trapped. Yeah. मतलब आप क्या मेरे थोड़ा खुल के बोलिए. नहीं. It's understood, I think. I was in class 7th when I was emotionally trapped for the first time in my life. Okay. पर आज उसकी शादी हो चुकी है. आई थिंक वो दो बच्चों की माँ है. ओह. तो इट्स ओके. बट आई एम अगेन इमोशनली ट्रैप्ड एंड आई एम हैप्पी. और उसकी शादी नहीं हुई है. एनीवे इट लुक्स वेरी एक्सिलरेटिंग. थैंक यू मैम. द फिल्म लुक्स वेरी एक्सिलरेटिंग. जिस राइटर ने लिखा क्या उसने ये नहीं सोचा कि इंटरकॉम भी होता है आजकल. आप पिक्चर देखिए ना मैम. इंटरकॉम तो अच्छा. ओके. हाय राजकुमार, सबसे पहले न्यूटन के लिए ढेर सारी बधाई जो भी आप जीत करके आए हैं. आपकी फिल्में फिल्म समारोह में जाती हैं, उसके बाद आकर के रिलीज भी होती हैं और दोनों जगह नाम कमाती हैं. आपको लगता है कि ऐसे बड़े रेयर एक्टर हैं आप जिनकी फिल्में पहले फिल्म समारोह में जाती हैं फिर आकर के रिलीज की जाती हैं. आई थिंक मैं खुद कैसे बोलूँ ये बात. आई थिंक सर इसे अगर आप कॉम्प्लीमेंट की तरह लें तो कैसे लेंगे, क्या कहना है. I'm just in a happy space. I think I'm being in what I do. Or okay. I totally agree with you. I think he's one of the finest actors we have in the industry. And also I think he picks up just amazing scripts and directors. And he doesn't give a damn if anyone else likes the script or doesn't. If he likes it, he goes all out. And then he gives his life to it. And I think he deserves so much that's going to come his way. And he's the best actor that we have. And Rajkumar, ये जो 20 दिनों की शूटिंग थी इसमें अलग अलग पल भी गए होंगे एक अपार्टमेंट के अंदर रहने में, तो उस इंसान की बियर्ड वगैरह भी हमने देखा बढ़ी. ये तो ये सारे जो फेज आ रहे थे उसकी जिंदगी में, इसको आपने किस तरीके से प्लान किया था कि भाई एक पल ऐसा आएगा कि सामने चूहा या कॉकरोच वगैरह भी दिखेंगे टाइप्स. आई थिंक लकीली हम लोगों ने लीनियर पैटर्न में शूट किया था, तो डे वन से फिल्म शुरू होती है जब वो फर्स्ट टाइम फ्लैट में जाता है और कैसे फिर डे 18, 20, 21 तक पहुंचती है फिल्म, तो उससे बहुत हेल्प हुई. बट आई थिंक फॉर दिस द क्रेडिट गोज टू विक्रम सर कि उन्होंने जिस तरह से शूट किया और हर डे उनके दिमाग में इतना क्लियर था कि उस डे में क्या इवेंट्स होंगे और डे 4 में एग्जैक्टली क्या होगा और रैट कब आएगा और कॉकरोचेस कब आएंगे. सो आई थिंक इट मेड माई लाइफ वेरी इजी बिकॉज ही वॉज सो क्लियर इन हिज माइंड एंड आई जस्ट हैड टू डू व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू. एंड फिल्म शूट कर चुके हैं आप, अब जब आप इमारतें देखते हैं गुजरते हुए बड़ी बड़ी इमारतें, तो जहन में क्या चलता है आपके. नो इट्स एक्चुअली स्कैरी. मैं जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे आया था तो हमारे दिल्ली में घर होते हैं ज़्यादातर, बंगलोज होते हैं. तो जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था तो फ्लैट्स थे और आगे ग्रिल लगी होती है,
तो एक्चुअली जो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आया था वो यही आया था कि व्हाट इफ यू नो इफ आई एम ट्रैप्ड इन दिस हाउस, क्या खुदा ना खास्ता कभी आग लग गई तो मैं कहाँ से भागूंगा, देयर इज नो वे आई कैन गेट आउट. सो आई थिंक दैट वे पीपल विल रिएक्ट टू दिस फिल्म अ लॉट, बिकॉज हम लोग इतनी ऊंची, हम लोग जब रोड पे भी कभी चलते हैं तो हम लोग वी डोंट इवन बॉदर टू सी कि अगर उस 40 मंजिल की इमारत पे कोई आदमी ऊपर से चिल्ला रहा है, बिकॉज वी आर सो बिजी इन अवर ओन लाइफ. तो आई थिंक समवेयर ये फिल्म एक स्टेटमेंट भी है, एक कॉमेंट भी है द टाइम्स वी आर लिविंग इन एंड द वे वी लिव. तो इट्स वेरी रिलेटेबल दैट वे. विक्रम, हाउ डिफिकल्ट द फिल्म वॉज फॉर यू? You know, I'm really sorry. I've just gotten back from Berlin. So I don't know much in detail about that. So I don't think so I can comment sir, on if that. If you want to comment. So आपसे जानना चाहूँगा मैं कि इस तरह की घटना हो जाती है and let's talk about that another time. Let's talk about that's a very वो बहुत ही गहराई में उतर के बात करनी पड़ेगी उसके बारे में. Let's talk about that another time. I don't think we should use these forums to discuss issues like these, honestly. इतना trivially उसके बारे में बात नहीं की जा सकती है, उसके बारे में आराम से. एक आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, उसके बाद चलो वापस मजाक करते हैं और trap के बारे. It's just too serious to discuss in these forums. Hi, Rajkumar. Hi, where? This is Priyanka. कहाँ trap हैं आप? Hi, from Indian Express. My question is, you know, from the previous question that you were answering about being the poster boy of indie cinema. Does the sellability of an actor, do these thoughts come to your mind? I mean, we always have difference between stars and actors. And you have a lot of films coming up and people, you know, look forward to watching your films. But how sellable are you at the box office? Do these thoughts come to your mind and do they bother you? No, because that's something which is not in my control and I can't help it. So there's no point thinking about it and feeling sad or happy about it. My only job is to act and to play that truthfully, honestly. Apart from that, there are things I can't control. Nobody would have thought, like we didn't know that Queen would make that much of money, but it did. Nobody thought Tanu Bhats Manu would make that much of money, but it did. So I think it's something, also being a star is very, it's accidental actually. You can be a star with one film, but then what about your next 10 films? So my job is to just be constant and to keep, to be honest towards my craft, which I try. Rest, I think it's, there are a lot of things which, I think being a star is a byproduct of your work, which will happen. I hope we have a star actor. You're saying there are stars and there are actors. I hope soon we have. You're a star, Raj. You're our star. See? Here's your answer. He's our moon and star and, yeah, and sun. Vikas ji, aapse ek sawal hai. Aapne ye film dekh li hai. To aapko kya lagta hai ki internationally hum kis tarah se bata sakte hain ki without भी हम बहुत डिफरेंट तरह की फिल्म, डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट ला सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से ला सकते हैं. और क्या इसका श्रेय हम फैंटम को मिलेगा, इस तरह का डिफरेंट सब्जेक्ट और इस तरह का डिफरेंट फिल्म पहली बार इंडियन सिनेमा में और या इंडियन? देयर आर टू क्वेश्चन देयर एक्चुअली. वन, दिस फिल्म आई लव. Okay, I'm so happy we made this film. It's a beautiful film. I've seen it 5 times already and I can see it again and again. And I can't believe that a film that is just inside one apartment with one boy and one cockroach and a rat, I can see 5 times. And I truly get entertained, which is the best part of it. Second, actually, I have no problem with songs. My movie had 13 songs. A lot of international films have a lot of songs. And their music actually is fantastic. At times you'll go and look at a seriously international film, Little Miss Sunshine, and it'll have 17 soundtracks in it. Okay, so I think music is a very crucial part of making a movie and conveying what you want to convey in your message. So I think we just need to tell better stories. We need to tell them well. Whether we do it with songs running behind trees, doesn't matter. Till the time your movie is good, it will find its audience anywhere in the world. And I am totally for songs. So I will not say that the day we stop making songs is the day we'll start making international films. It's not like that. All right, we'll take the last few questions now. Yes. Rajkumar, इस फिल्म में जैसे दिखाया गया है कि एक अपार्टमेंट में पूरी फिल्म शूट हुई है, क्या इस फिल्म ने आपके अंदर कोई बदलाव लाए हैं एज अ पर्सन? क्योंकि एक घर आपका जो होता है, एक अपार्टमेंट होता है, उसको इस फिल्म को करने के बाद क्या आप जब घर जाते थे तो वो घर आपको उस घर में कुछ बदलाव आते थे, आपको लगता था कि कुछ अलग है? No, I was not enjoying living in my own house once I used to go back after pack up.
I wanted to go back and live in the same house because suddenly, because for some reason I started connecting to that house. You know, when you'll see the film also realize ke how, you know, like we're very adaptable. Human beings are very adaptable. They can adapt to situations. But the conditions he's living in are very inhuman. So I think that way, once I used to go back to my house, as you're saying, to mujhe lagta tha ki haan, ki shayad, what if main yahan phas jaun? To mujhe pata tha ki ye yahan pe bahut sari suvidhaen hain aur mere bahut sare neighbors hain. पर जिस घर में ये रह रहा है शौर्य वो एक नॉन फंक्शनल बिल्डिंग है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है. ये 35th फ्लोर पे अकेला रहता है और एक वॉचमैन है जो शायद थोड़ा, जिसको शायद थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, और एक रैट है जो कुछ नहीं कर सकता है. सो आई थिंक मैं जब घर जाता था तो मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं फंस जाऊँगा, बट एक थॉट जरूर आता था कि व्हाट इफ वन डे. फिल्मों की बात करें, अगर अलग तरीके की फिल्मों की बात करें तो अब बॉलीवुड में ये चलन आ गया है कि नए नए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो करते हैं. विकास ने जिस तरह से क्वीन बनाई थी, आपने उनके साथ काम किया था, अलग अलग तरह के जो कलाकार हैं वो आ रहे हैं. आप दोनों ने कंगना के साथ काम किया है, विकास आपने अभी राजकुमार के बारे में बताया कि किस तरह के वो कलाकार हैं. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि एज अ फीमेल एक्टर कंगना के बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है, किस तरह की अभिनेत्री हैं, किस तरह उनकी अदाकारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ने उनके साथ काम किया हुआ. उनको तो प्रेसिडेंट हर साल बुला रहे हैं अवार्ड देने के लिए, हम दोनों क्या करेंगे? प्रेसिडेंट तो अवार्ड दे रहे हैं सर, बट आप नो, शी इज, आई मीन दिस इज नॉट द फोरम, बट टू क्विकली वाइंड इट अप, आई थिंक शी इज आउटस्टैंडिंग. शी हैज प्योरली डन इट ऑन अ मेरिट ऑफ बीइंग द फाइनेस्ट एक्टर दैट वी हैव सीन, एंड आई थिंक शी हैज अ लॉन्ग वे टू गो. वी ऑल लव वाचिंग हर ऑन स्क्रीन, एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज व्हेन शी इज ऑन स्क्रीन यू कैन जस्ट वॉच हर फॉर 2 आवर्स. राजकुमार, आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फीमेल एक्टर वी हैव इन आवर कंट्री. And 3 national awards are, I think, enough proof of that. Yeah. Thank you. एक आखिरी सवाल, फिल्म का नाम Trapped है. अगर आप सभी को मौका दिया जाए उस अपार्टमेंट में रहने के लिए किसी एक कलाकार के साथ या इंडस्ट्री के किसी एक पर्सन के साथ, तो वो कौन होगा और क्यों? मैं तो आई थिंक इनके साथ वापस आऊंगा, कहूंगा सर एक और फिल्म बना लेते हैं Trapped Part 2. हम दोनों आपस में मिलके फोन पे. आप घुमा फिरा उसी पॉइंट पे आ जाती हैं. आप इमोशनली कब ट्रैप्ड हुए, किस हीरोइन के साथ रहना चाहेंगे? उन्होंने क्या पूछा? हमारी जो रैट थी वो फीमेल थी. सो यार, थैंक यू सर. मेरा एक सवाल है, आपने कुछ दिनों पहले एक पहले आई थिंक 1.5-2 महीने हो गए, इस नाम के बारे में जानना चाहेंगे, किसने डिजाइन किया? काफी यूनिक सा ये डिजाइन भी है Trapped का. ये हमारे मार्केटिंग के रंजन सिंह सर, हार्दिक, अमित, सिद्धार्थ, काजविन, अनीश, I can see Alota over there. Nitin Bain. Mom. Shruti Kapoor. Sadab. Sadab Rahim. Sadab Rahim. Ravi. Mandal. आलोक चौधरी, राज, शांत बैठे जादो. All right, so Vikram, आपने बुला तो लिया अपनी पूरी टीम को स्टेज पे. Now do tell us our friends in the media how great your team is and how fantastic it was working with. My team is great, they're the best. Let me introduce them from.